हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जी रामपाल। आज दी वीडियो विच असीं यूज़ ऑफ इट ये वेखांगे, इट दे डिफरेंट यूजेस इस वीडियो विच आपां वेखदे हां। ते लास्ट तक तुसीं वीडियो वेखना ताकि तुहानूं सारे यूजेस इट दे पता लग सकन। सो वेखदे हां, पहला तां वेखदे हां कि कदों असीं इट यूज़ करदे हां। सो इट जिहड़ी असीं वरत सकदे हां टाइम दसन वास्ते, डे जे डिस्टेंस दूरी दसन वास्ते, जां वैदर दसन वास्ते, मौसम दसन वास्ते। सो पहले टाइम दसन वास्ते आप वेखते हैं कि इट किदा यूज़ कर सकते हाँ। वट टाइम इज़ इट, कोई सवाल पूछता कि समा आया है, तो आप जेकर तो एक बजे हैं या दो बजे हैं या तीन बजे हैं तो आप सीधा ये कहने हाँ इट इज़ 1 o'clock एक बजे हैं, इट इज़ 2 o'clock दो बजे हैं, इट इज़ 3 o'clock या इट्स 3 o'clock ये आप इस तरह कहने हाँ। जेकर अपने को हाफ है, अद्धा घंटा गुजर गया है, या इसनों आप कहने कि 3:30 बजे हैं, इतने आप कहने कि 1:30 बजा है, 2:30 बजे हैं, तो आप इसनों दसांगे इट्स 1:30, इट्स 2:30 एंड इट्स 3:30। सो इस तरह आप 1:30 कोई भी अद्धा घंटा बीतया हो आप ये नाल दस सकते हैं 1:30 कह के। जेकर 3 होए, 4:15 होए, 5:15 होए तो 1:15 आप क्वार्टर में दसते हैं कि चौथा हिस्सा जोड़ा वो लंघ गया है, पास्ट मतलब लंघ गया है, इट्स 3:15। सो इट्स 3:15, इट्स 4:15 एंड इट्स 5:15। इस तरह कोई भी तुसी 1:15 वाला टाइम जोड़ा, 6:15, 7:15 जोड़ा भी थोड़ा टाइम आता है तो आप इधर दस सकते हाँ। तो जो भी कोई 6:45 हो, इतने 7:45 होए, इतने 9:15 होए तो आप इस तरह दसांगे इट्स 6:45, इट्स 6:45 कि 7 बजे के बीच क्वार्टर रहिंदा है, इट्स 6:45 ये की होएगा इट्स 7:45, इट्स 8:45। यस अगे व्हाट इज़ द टाइम, सो अगे जेकर अपने को 5 मिनट या 10 मिनट लंघ गए क्वार्टर ना वो 1:15 है ना 6:45 है तो आप मिनट्स दसांगे किन्ने हैं। सो इट्स 5:05 जिवें 5:02, इट्स 5:02, इट्स 3:05। सो इस तरह कोई भी आप दस सकते हैं, जे 3:20 होए होंगे तो आप कहोगे इट्स 3:20, इट्स 3:20। जेकर 2:55 होए हो, सपोज 2:55 होए तो आप कहोगे कि 5 मिनट रेंदे हैं 3 बजे च। सो आप इनू कहोगे इट्स 5:03, इट्स 5:03। सो इस तरह कहोगे इनू आप जिमें आ टाइम ने ये दसने आप व्हाट टाइम इज़ इट, इट्स 10:10। ये तुसी मन में सोचो की बनेगा इट्स 10:15। यस इट्स 10:25, इट्स 10:30, इट्स 11:15। सो आप इन 11:15 कहते हैं, 11 में आता है 11। सो इट्स 11:15, इट्स 2:15 कहोंगे फिर ये भी 10 मिनट रेंदे हैं, इस इनू आप 10:11 कहोंगे, इट्स 11 o'clock। सो इस तरह आप टाइम दसिया इट नाल। इस तरह डे कोई भी हो, व्हाट डे इज इट, इट्स मंडे ट्यूजडे, जोड़ा भी डे है तुम इस तरह दस सकते हो। सो अगे डिस्टेंस जोड़ा वो किस तरह दसेंगे, हाउ फार इज इट फ्रॉम अमृतसर टू अजनला, कि अमृतसर टू अजनला कितनी दूर है, अमृतसर टू अजनला कितनी दूर है, हाउ फार मीन्स कितनी दूर, हाउ फार इज इट फ्रॉम हेयर टू द स्टेशन, स्टेशन तक इतों कितनी दूर है स्टेशन ये पूछा गया है। सो आप दसांगे इट्स 20 किलोमीटर, इट्स जिन्हें भी किलोमीटर होना आप उसे दस सकते हैं, या इट्स नॉट फार ये दूर नहीं है, सो फार मीन्स दूर। सो इस तरह वैदर दसना हो कि मौसम मीह पै रहा तो इट्स रेनिंग, बर्फ पै रही है इट्स स्नोइंग, इन्हों कोई भी दस इट्स वॉर्म भी निघा जहा मौसम है, इट्स हॉट
इट्स कोल्ड, इट्स फाइन, इट्स क्लाउडी, बदलवाई बनी है, इट्स विंडी, हवा वग रही है, इट्स सनी, सूरज निकलिया है, इट्स फॉगी, फॉगी धुंद पई हुई है, इट्स डार्क, अंधेरा होया है। सो इस तरह आपां वैदर जिहड़ा इट नाल दस सकते हैं। सो एक होर यूज इट दा इत्थे वेखदे हाँ, इट्स नाइस टू, इस तरह के आते, इट्स ईजी टू, इदा दे आपां अगे टू लिख के अगे वर्ब की फॉर्म लिखनी है। जे तक तुसीं वर्ब दे फॉर्म्स अगे आपां करांगे किस तरह इन्हां नूं यूज़ करना है, सी मीनस हुंदा है वेखना, सी यू अगेन जां मिलना, सो इट्स नाइस टू सी यू अगेन, तुहानूं मिल के फिर दोबारा बड़ी खुशी होई। इस तरह का जिवें इहदे विच्चों आ सकदा इट्स लगा के इन्हां विच्चों कोई लगेगा अते फिर टू लग के अगे वर्ब की फॉर्म लगेगी, जिवें आ बनिया है इट्स डिफिकल्ट टू ओपन दिस डोर, यह डोर खोलना, यह दरवाज़ा खोलना मुश्किल है। सो इसकी पंजाबी आप इस तरह कढ़ांगे। सो इन्हां दे विच्चों आपां एक दो होर एग्जाम्पल्स देखते हाँ। इट्स ईजी टू फाइंड माई हाउस, मेरा घर लभना बड़ा सौखा है, इट्स ईजी टू फाइंड माई हाउस, जां इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड भी लिख सकते इत्थे, लभना बड़ा औखा है जां सौखा है। इट्स इम्पॉसिबल टू गो आउट अलोन, कल्लियां बाहर जाना इम्पॉसिबल है, असंभव है। इट्स सेफ टू वेयर दिस जैकेट, सो ये जैकेट पाना सेफ है। सो इस तरह अगे आपां कुछ एक सेंटेंसेस वेखांगे जिहड़े तुसीं नोट कर लेने हन। यह मेरी जिंदगी है, इट्स माई लाइफ, अज आकाश साफ है, इट्स क्लीयर टूडे, गर्मी का मौसम है, इट्स समर सीजन, सर्दी का मौसम है, इट्स विंटर सीजन, बसंत का मौसम सी, इट वॉज स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग मैंने इतने बसंत, बाहर हनेरा सी, इट वॉज डार्क आउटसाइड, की तुसी हो, इज इट यू, उत्थे जाना औखा नहीं है, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू गो देयर, की बहुत ज़्यादा ठंड सी, वॉज इट टेरेबली कोल्ड, की बदलवाई सी, की बदलवाई हुई है, इज इट क्लाउडी। अगली वीडियो में असीं इट दे कुछ होर यूज भी वेखांगे। सो जेकर तुसीं यह कोर्स कर रहे हो 60 डेज का, तो यह वीडियो ध्यान नाल वेखना, नैक्सट वीडियो भी वेखते रहना। थैंक यू।